हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल थ्री ब्रदर टेलर पे। और आज मैं आपको इस तरह का हैंड बैग बनाना सिखाऊंगा, जो इस तरह का बनाया है मैंने। ऊपर मैंने दो जिप लगाई है, तो इस तरह से यहाँ ऊपर दो पॉकेट आएगा और यहाँ साइड में एक पॉकेट लगाया है। और दोस्तों आपको मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखे है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और उसके अंदर मैंने ऐसा एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक लिया है और उसका माप मैंने यहाँ 7 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। ऐसा दो फैब्रिक लेना है और ये उसका अस्तर का माप मैंने यहाँ 11 इंच का लिया है और यहाँ 15 इंच का लिया है। ऐसा दो अस्तर लेना है और ये अंदर का जो पॉकेट है उसका माप मैंने यहाँ 10 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। ऐसा एक अस्तर लेना है हमें। और ये बाहर का पॉकेट है उसका माप मैंने यहाँ 7 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। उसके अंदर एक ऐसा अस्तर और रबर शीट और उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊँगा। और उसके ऊपर जो फैब्रिक लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 5 इंच का लिया है। और उसकी रबर शीट और ऊपर फैब्रिक दो लेना है हमें और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगाऊंगा। और ये रबर शीट का माप मैंने यहाँ 11 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 15 इंच का लिया है। ऐसी एक रबर शीट लेनी है और उसके ऊपर एक प्लास्टिक लेमिनेशन। और ये जिप पट्टी का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4 इंच का लिया है। और एक उसका और ये उसके जिप का माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है। ऐसी 3 जिप लेनी है हमें। और जिप पट्टी के ऊपर जो पट्टी लगाऊंगा उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 4.5 इंच का लिया है, 4.5 इंच का। ऐसा दो फैब्रिक लेना है। और ये हैंडल का माप मैंने यहाँ 22 इंच का लिया है और यहाँ मैंने 2 इंच का लिया है। ऐसा दो हैंडल लेना है। और हैंडल के अंदर ऐसी डोरी लगाऊंगा और डोरी लगानी है इसलिए मैंने यहाँ हैंडल उरप कटिंग किया है। और ये बॉर्डर का माप मैंने यहाँ 27x4 इंच का लिया है, यहाँ 27 इंच लिया है। और उसके अंदर ये अस्तर, ऊपर फैब्रिक और ये प्लास्टिक लेमिनेशन। तो पहले हमें ये अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट रख देनी है और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक। और अभी यहाँ हमें सिलाई कर देनी है, तो हम पहले चारों तरफ यहाँ सिलाई कर देंगे फैब्रिक के ऊपर। और अब यहाँ उसके ऊपर ये 5 इंच का फैब्रिक लगा देना है। और फैब्रिक को ऊपर कर देना है और यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें ये पार्ट तैयार कर लेना है। और उसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो बिना प्लास्टिक से भी ये बैग बना सकते हो। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए यहाँ मैं हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ, क्योंकि ऑयल लगाने से हमारा मशीन फ्री चलता है। तो इस तरह से प्लास्टिक लेमिनेशन के ऊपर सिलाई कर देनी है।
और अब यहाँ ज़्यादा जो अस्तर प्लास्टिक लेमिनेशन या रबर शीट है उसको हमें कटिंग कर लेना है। और अब हमें ये साइड का पॉकेट बनाना है, तो पहले अस्तर रखना है, उसके ऊपर ये रबर शीट और उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी वर्क का फैब्रिक रख देना है, और उसके ऊपर मैं प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ, और यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ ये जिप लगा देनी है। यहाँ ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। और अब ये 5 इंच की रबर शीट लेंगे, उसके ऊपर ये फैब्रिक रख देंगे और उसके ऊपर ये प्लास्टिक लेमिनेशन, और यहाँ भी हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है। और अब ये फैब्रिक हम जिप के साथ लगा देंगे, तो इस तरह से हमें ऊपर जिप रख कर ही हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें ये 11 इंच का अस्तर लेना है और उसके ऊपर ये पार्ट रख देना है पॉकेट वाला, और अब हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। जो जिप की सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ चारों तरफ सिलाई कर देनी है, क्योंकि अस्तर नीचे से अटैच हो जाए इसलिए। और अब उसका फर्मा बना लेंगे, तो उसका माप मैंने यहाँ 15 इंच का लिया है और यहाँ का माप 11 इंच का है। और अब हम इसको यहाँ से फोल्ड कर देंगे इस तरह से, और यहाँ से हमें 3 इंच का माप रखना है, तो 3 इंच पे हम निशान कर देंगे, और यहाँ हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें 4 इंच पे निशान कर देना है।
और यहाँ हमें सीधा निशान कर देना है 2 इंच पे और यहाँ 3 इंच पे। और यहाँ 4 इंच पे। और यहाँ हमें 1.5 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ हमें राउंड कर देना है, तो राउंड शेप में हम यहाँ निशान कर देंगे। तो इस तरह से हमें राउंड शेप में निशान कर देना है। और यहाँ नीचे से हम 2 इंच पे निशान कर देंगे और यहाँ भी हमें 2 इंच पे निशान कर देना है। और यहाँ से हमें राउंड शेप में निशान कर देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ निशान कर देना है। और अब हमें जो निशान किया है वहीं से हमें कटिंग कर लेना है। तो इस तरह से हमें ये कटिंग कर लेना है ये फर्मा। और अब ये पार्ट के ऊपर हमें ये फर्मा रख देना है और यहाँ मार्कर से निशान कर लेंगे। तो सेम इसी तरीके से हमें जिप वाले पार्ट के ऊपर भी हमें ये फर्मा रख कर यहाँ निशान कर देंगे। और अब हम ये हैंडल बना लेंगे, तो हैंडल को हम इस तरह से फोल्ड करके यहाँ एक सिलाई कर देंगे। और यहाँ एक डोरी लगा देंगे। अब यहाँ हैंडल को हमें पलटा लेना है, डोरी हमें अंदर कर देनी है। तो इस तरह से हमें हैंडल पलटा लेंगे।
तो इस तरह से हमें दोनों हैंडल तैयार कर लेना है। और अब हमें यहाँ जो फरमे का निशान किया है वही निशान के ऊपर हमें सिलाई कर देनी है, और यहाँ हमें साथ में एक हैंडल भी लगा देना है, और हमें जो मार्कर का निशान है वही निशान के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। और अब हमें यहाँ सिलाई का छोड़कर हमें कटिंग कर लेना है, आधा हिस्सा हमें सिलाई का रखना है और वहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। तो सेम इसी तरीके से दूसरा जीप वाला पार्ट है उसके ऊपर भी हमें इस तरह सिलाई करके यहाँ हैंडल लगा देना है। और अब हम ये जेब पट्टी बनाएंगे तो पहले अस्तर रखेंगे, उसके ऊपर ये फैब्रिक रखेंगे और यहाँ हम ये जेब लगा देंगे। तो यहाँ हमें जेब रख कर यहाँ सिलाई कर देनी है। और अब यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और अब यहाँ से हमें जिप लगा देनी है। और अब यहाँ फैब्रिक के ऊपर हमें एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से दोनों साइड हमें सिलाई कर देनी है, फैब्रिक के ऊपर हमें सिलाई करनी है। यहाँ हमें एक इंच का गैप रखना है और यहाँ हमें दूसरी जिप लगा देनी है। और अब उसके ऊपर हमें एक फैब्रिक लगा देना है, जो मैंने 4.5 इंच का कटिंग किया था, 4.5 इंच का, वो हमें यहाँ लगा देना है। और ये दूसरी साइड भी हमें फैब्रिक लगा देना है।
और अब हम यहाँ ये पार्ट रख देंगे, और हमने जो फरमे की सिलाई की है वो सिलाई के ऊपर ही हमें एक सिलाई कर देनी है। तो यहाँ से हम सिलाई शुरू करेंगे और यहाँ से हमारी जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर ही हमें सिलाई कर देनी है। यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और यहाँ हमें कट लगा देना है, और यहाँ राउंड है इसलिए यहाँ भी हमें कट लगा देना है। तो इस तरह से हम कट कर देंगे। और अब हमें यहाँ दूसरी साइड भी हमें दूसरा पार्ट लगा देना है। जो पहले हमने सिलाई की है वो इसी तरीके से हमें यहाँ भी सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें जेपट्टी के ऊपर ये दोनों पार्ट लगा देना है, और अब हमें ये दोनों पार्ट को हमें पलटा लेना है। और हमें यहाँ ऊपर एक सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ सिलाई कर देनी है। तो हम यहाँ सिलाई कर देंगे।
और एक सिलाई यहाँ भी कर देनी है हमें। और यहाँ ऊपर हम ये ऊपर से सिलाई करेंगे। ये रबर की पाइपिंग है, उसके ऊपर मैं एक गोल्डन लेस लगा देता हूँ। तो इस तरह से हमें यहाँ गोल्डन लेस रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। और यहाँ हमें पाइपिंग लगा देनी है। और यहाँ राउंड है इसलिए यहाँ पाइपिंग को हमें कट कर लेना है। यहाँ तक हमें पाइपिंग लगानी है, यहाँ से हमें पाइपिंग कटिंग कर लेनी है। और यहाँ दूसरे पार्ट के ऊपर भी हमें पाइपिंग लगा देनी है।
और अब हम ये बॉर्डर बनाएंगे तो पहले अस्तर लेंगे, उसके ऊपर ये फैब्रिक और उसके ऊपर मैं ये प्लास्टिक लेमिनेशन लगा देता हूँ। और यहाँ हमें चारों तरफ सिलाई कर देनी है बॉर्डर के ऊपर। और ये प्लास्टिक लेमिनेशन है इसलिए मैं यहाँ हल्का सा ऑयल लगा रहा हूँ। और आपके पास प्लास्टिक लेमिनेशन नहीं है तो आप प्लास्टिक बिना भी ये बैग बना सकते हो। और हमें ये बॉर्डर लगा देनी है तो पहले बॉर्डर रखेंगे और उसके ऊपर ये जीप वाला पार्ट रखेंगे। तो पहले हम ये जीप रख कर यहाँ सिलाई कर देंगे। तो यहाँ दोनों जीप के ऊपर पहले सिलाई कर देनी है। और अब हमें ये पाइपिंग वाला पार्ट है वो हमें बॉर्डर के साथ लगा देना है। तो यहाँ तक हमें सिलाई करनी है और या ज़्यादा बॉर्डर है वो कटिंग कर लेनी है। और अब यहाँ से हमें पलटा लेना है और एक पार्ट हमें खुला रखना है। तो इस तरह से हमें पलटा लेना है इसको। और ये अंदर का अस्तर है तो हमें यहाँ ये पार्ट रख देना है। और यहाँ हमें निशान कर देना है, राउंड शेप में ही हमें निशान कर देना है। और यहाँ हमारी जो जीप है वहाँ से भी हमें निशान कर देना है, वहाँ तक ही हमें रखना है। और हम इसको फोल्ड कर देंगे और यहाँ से हमें कटिंग कर लेना है। और ऊपर से जो ज़्यादा अस्तर है वो भी हमें कटिंग कर लेना है। और अब ये दो जीप है वो दो जीप के बीचों बीच हमें अस्तर लगा देना है। तो इस तरह से हमें यहाँ अस्तर रख देना है और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। दोनों जीप के बीचों बीच हमें अस्तर रखना है। तो इस तरह से हम ये अस्तर रख कर यहाँ सिलाई कर देंगे।
तो इस तरह से हमें अंदर का अस्तर लगा देना है। और अब ये दूसरा पार्ट है वो भी हमें बॉर्डर के साथ जोड़ देना है और यहाँ से हमें सिलाई कर देनी है। तो इस तरह से हमें यहाँ बॉर्डर लगा देनी है। और यहाँ हमें सिलाई कर देनी है। हमने जो पाइपिंग लगाई है वो पाइपिंग की जो सिलाई है वो सिलाई के ऊपर ही हमें ये सिलाई लगानी है, तभी हमारा फिनिशिंग अच्छा आएगा। और अब ये जेब को हमें खोल लेना है और ये बैग को हमें पलटा लेना है। तो इस तरह से हम पलटा लेंगे बैग को। तो दोस्तों इस तरह से हमारा हैंडबैग बनकर तैयार हो गया है। और यहाँ ऊपर दो जेब आ गई इस तरह से, इस तरह से दो पॉकेट ऊपर आ गया और एक ये साइड में पॉकेट हो गया। और दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और दोस्तों जिन लोगों ने मेरे चैनल पहले से सब्सक्राइब कर रखी है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।